सारा गुरपाल ने बिग बॉस की वोटिंग प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा कि शो पर ऑडियंस की सुनता कौन है। हेलो गाइस, दिस इज नेहा, यू वाचिंग गूगल बॉलीवुड। सारा गुरपाल, जिसे सभी जानते ही है, जो कि बिग बॉस 14 में पहले हफ्ते में ही घर से बाहर हो गई थी और पहली सदस्य थी बिग बॉस की जो सबसे पहले घर से बाहर हुई थी, इसी बीच उन्होंने अब जो है बिग बॉस पर एक सवाल उठा दिया है कि बिग बॉस में वोटिंग के आधार पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा उन्हें नहीं लगता है। और उनके इस सवाल के ऊपर, उनके इस ट्वीट के ऊपर भी सहमति जता रहे हैं उनके फैंस और कई सारे यूजर, जो कह रहे हैं कि हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। दरअसल बिग बॉस में होता ऐसा आया है कि वोटिंग प्रक्रिया के हिसाब से, यानी कि जो जनता चाहती है वही घर से बाहर निकलता है, जिसकी वोट कम हुई वो घर से बाहर आता ही आता है। लेकिन सारा गुरपाल का कहना है कि ऐसा नहीं होता है, वोटिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, एक तरह से उन्होंने ये कह दिया है। अब उन्होंने कहा कि जब मैं घर से बाहर निकली थी तो मुझे लगा कि मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन मुझ में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बाहर लोगों को मैं पसंद आ रही थी, लेकिन घर पे सिद्धार्थ शुक्ला और सीनियर्स, जैसा कि आपको याद होगा कि पहले हफ्ते में सीनियर्स की आपसी सहमति की वजह से सारा गुरपाल को घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो उन्होंने कहा कि वो सीनियर्स की वजह से हुआ था, तो वोटिंग के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच दो कंटेस्टेंट और हैं घर के, जो कि सीनियर्स की सहमति से ही बाहर निकले हैं, तो वोटिंग के हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर बिग बॉस में ये सब चल क्या रहा है। इसी बीच आपकी क्या है राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।